आपको इस साइड से जाना होगा। और जैसे ही आप कॉर्नर का ये बंगलो देख रहे हो, इस बंगले में रहा करते थे हमारे बॉलीवुड के मशहूर एक्टर्स ओम प्रकाश। जी हाँ दोस्तों, ये इनके बंगले का मेन एंट्री गेट है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शमीम व्लॉग वीडियोस में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ बॉलीवुड के मशहूर एक्टर्स कहे जाने वाले ओम प्रकाश जी का घर। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में उनकी बायोग्राफी, कार कलेक्शन, उनके घर का प्रॉपर एड्रेस सब कुछ बताऊंगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस टाइम मैं खड़ा हूं मुंबई चैम्बूर के सुरेंद्र नगर चौक पर। जी हाँ दोस्तों, आपको बैक कैमरा करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आप ये चौक देख रहे हो, ये चौक कहलाता है सुरेंद्र नगर चौक चैम्बूर का। और आप सोच रहे होंगे सुरेंद्र नगर चौक क्यों कहलाता है, तो आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, ये है सुरेंद्र कपूर चौक। जो सुरेंद्र कपूर जो नाम है, ये अनिल कपूर के फादर का नाम है, जो कि बॉलीवुड के एक्टर अनिल कपूर है, उनके पापा का नाम। और ये आप देख सकते हो यूनियन पार्क, ये जो आप एरिया देख रहे हो ये यूनियन पार्क कहलाते हैं। पूरी सोसाइटी का नाम है यूनियन पार्क। और इसी सोसाइटी के आप जैसे सीधा जाते हो, तो सीधा जाने के बाद आपको फर्स्ट राइट छोड़ के सेकेंड राइट जब आपको देखने के लिए मिलेगा, वहीं पर आपको देखने के लिए मिलेगा ओम प्रकाश जी का घर। तो दोस्तों चलो हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं ओम प्रकाश जी के घर का लाइव वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, मैं यहाँ से सीधा सामने से आया हूँ, और इधर से आने के बाद इधर आपको जाना पड़ेगा सीधा। जी हाँ दोस्तों, लगभग आपको 500 मीटर की दूरी पर जाना पड़ेगा। लगभग 500 कदम आपको चलने हैं, उसके बाद आपको ये जो आप कार जाते हुए देख रहे हो, यहाँ से एक राइट आएगा। लेकिन आपको राइट नहीं मुड़ना है, आपको सामने बिल्कुल सीधा स्ट्रेट जाना है। और सामने से दो रास्ते मुड़ेंगे, एक राइट और एक लेफ्ट। लेकिन आपको राइट साइड में जो कॉर्नर का जो बंगला देखने के लिए मिलेगा, उसी बंगले में रहते थे ओम प्रकाश जी। तो दोस्तों हम बहुत ही करीब में पहुंच चुके हैं, तो आपको दिखाते हैं ओम प्रकाश जी का घर और उनके घर का अंदर का वीडियो भी आज की वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं, और बायोग्राफी, कार कलेक्शन सब कुछ बताने वाला हूँ। दोस्तों तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं ओम प्रकाश जी के घर के पास। जैसे कि आप ये जो व्हाइट कलर का बंगलो देख रहे हो, ये ओम प्रकाश जी का बंगलो है। और ये एक छोटा सा गेट इधर की साइड से भी हो, और इनका जो मेन एंट्री गेट है वो इस साइड से है। आपको इस साइड से नहीं जाना, आपको इस साइड से जाना होगा। और जैसे ही आप कॉर्नर का ये बंगलो देख रहे हो, इस बंगले में रहा करते थे हमारे बॉलीवुड के मशहूर एक्टर्स ओम प्रकाश। जी हाँ दोस्तों, ये इनके बंगले का मेन एंट्री गेट है, और ये पूरा खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हो। और ये इनके बंगले के पास इनका नाम भी लिखा हुआ है, जैसा कि मैं आपको पास से जाकर दिखा देता हूं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ओम प्रकाश। ओम जो है वो थोड़ा सा मिट चुका है, तो लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ। और यहाँ पर यूनियन पार्क भी लिखा हुआ है, यूनियन पार्क 21 नंबर। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है यूनियन पार्क 21, यूनियन पार्क रोड, मतलब यहाँ के रोड नंबर है 21। और इनके बंगले के जो है दोस्तों तीन गेट है, जैसे कि आप देख सकते हो, एक गेट इधर की साइड से भी है, और सेकंड गेट वो है, और थर्ड गेट मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में उधर गली से दिखाया है, वो इनकी बिल्डिंग का थर्ड गेट है दोस्तों। और बाकी का पूरा व्यू आप देख सकते हो, कितना खूबसूरत बंगला है दोस्तों। इसी बंगले में रहा करते थे हमारे बॉलीवुड एक्टर ओम प्रकाश जी। तो दोस्तों जैसे कि आप बैकग्राउंड में मेरे देख सकते हो, आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाया है ओम प्रकाश जी का घर और उनकी बायोग्राफी, कार कलेक्शन सब कुछ बताया है। दोस्तों एक बार आपको बता देता हूँ, इस रोड से ही मैं आया था, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा था। ये जो पूरा एरिया है यूनियन पार्क का एरिया कहलाता है, मुंबई चैम्बूर और सुरेंद्र कपूर चौक के नाम से वहाँ पर मैंने आपको शुरू में स्टार्टिंग में बता दिया, और उसी यूनियन पार्क से एंट्री की थी। और उसके लास्ट में जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर एक राइट में रोड जा रहा है और एक लेफ्ट में, तो लेफ्ट के कॉर्नर पे ही जो आप बंगला देख रहे हो व्हाइट कलर का, इसी बंगले में रहा करते थे हमारे बॉलीवुड एक्टर ओम प्रकाश जी। दोस्तों अभी तो वो फिलहाल हमारे बीच नहीं रहे, इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं, लेकिन जब वो जिंदा थे तो इसी बिल्डिंग में, मतलब इसी बंगले में रहा करते थे। आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत सा बंगला है, और पूरे बीचों बीच ये बंगला है, और बाकी चारों तरफ काफ़ी सारी ग्रीनरी और पेड़ पौधे लगाए गए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको उनका घर, उनकी बायोग्राफी, कार कलेक्शन और प्रॉपर एड्रेस सब कुछ बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो और नई लोकेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। ओके टाटा, बाय बाय।